दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंट मोगो, जहां आपको मिलता है ऑल टाइप कॉर्पोरेट प्रिंटिंग सॉल्यूशन लाइक टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, स्टिकर प्रिंटिंग इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें। और मैं हूं नीरज कुमार, और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है अमेरिका मैक्सिको के बीच दीवार बनाने को लेकर छिड़े पॉलिटिकल वॉर के बीच मैक्सिको की एक एयरलाइंस ने अमेरिकी लोगों को लुभाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डीएनए डिस्काउंट ऑफर दिया है, जिसके तहत डीएनए में मैक्सिकन अंश होने के आधार पर डिस्काउंट दिया जाएगा। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश में पिछले महीने हुए आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी लोगों के लिए काम करेगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एक्शन मोड में आ चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर जमकर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष ने चुनाव से पहले ही हार के बहाने खोज लिए हैं, इसलिए अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने लग गए हैं। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है बोफोर्स घोटाले को दलाली बोलकर बीजेपी के निशाने पर आए शरद यादव ने इस मामले में सफाई देने के साथ भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि जुबान फिसलने की घटना को मुद्दा बनाने वाले लोग पूरी तरह से खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली पर भाजपा का हमला लगातार जारी है, और अब इस कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि ममता की रैली में एकजुट हुए लोगों में इतने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं कि इन सब ने पीएम की कुर्सी को चटाई बना दिया है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 15 साल पहले रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ की शुरुआत की, जिसको अब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर से वाराणसी और रायबरेली स्टेशन पर खानपान का प्रबंध करने वाली टोरा कोटा या मिट्टी से बने कुल्हड़ों, ग्लास और प्लेट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर तंज कसते हुए कहा कि सामने वाली सेना में सेनापति का पता नहीं है, मगर बराती तैयार हैं, लेकिन बिना दूल्हे की घोड़ी कितनी आगे जाएगी और 4-6 बैठ गए तो घोड़ी दुल्हन के पास पहुंचेगी या नहीं पता नहीं। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है बिहार महागठबंधन में आरजेडी द्वारा सपा बसपा गठबंधन को शामिल होने का न्योता देने के बाद एक बार फिर से सीटों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस ने आरजेडी को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर वे दोस्ती निभाना चाहते हैं तो सपा बसपा को उसे अपने खाते से सीट देनी होगी। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है कर्नाटक में जारी सियासी नाटक के बीच रिजॉर्ट में ठहराए गए कांग्रेसी विधायकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें एक विधायक जेएन गणेशन द्वारा विधायक आनंद सिंह के सिर पर बोतल मारने पर वह बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें लगता था कि सरकार कानून बनाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए अगर कांग्रेस राम मंदिर के लिए कदम बढ़ाती है तो हम उसके साथ जा सकते हैं। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा में चल रही अंदरूनी कलह के बीच भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा सन्यासी बनाने की खातिर हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुओं का कम बच्चा पैदा करने से नागा साधु बनने के लिए कम लोग मिल रहे हैं। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है राजस्थान में आबकारी विभाग में तैनात 5 आरएसएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों की अनदेखी करना इतना भारी पड़ गया कि उन्हें सरकार ने उनके पद से हटाकर ठंडी पोस्ट पर लगा दिया है। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हुए इसके पीछे किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका जताई और कहा कि मात्र 25,000 रुपए के लिए भाजपा नेता की हत्या गले नहीं उतर रही है।
और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली विपक्ष की महारैली के बाद अब भाजपा भी राज्य में 42 लोकसभा सीटों पर 22 जनवरी से 8 फरवरी तक रैलियां कर विपक्ष के महागठबंधन को जवाब देने की तैयारी कर रही है। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है राफेल डील पर संसद और सड़क पर विपक्ष के हंगामे के बीच भारत सरकार ने 36 राफेल फाइटर जेट की कुल कीमत का 50% से अधिक यानी कि लगभग 34,000 करोड़ की रकम का भुगतान फ्रांस को कर दिया है। आपको बता दें कि यह डील कुल 59,000 करोड़ की है। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू से पीड़ित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें 2 सप्ताह तक डिस्चार्ज होने के बाद भी बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है भारतीय रेलवे ने RAC और वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट देने के लिए नई सेवा की शुरुआत करते हुए देश भर में चल रहे टिकट निरीक्षकों को एक टैबलेट दिया है जिसकी मदद से वो चलती ट्रेन में भी सीट की उपलब्धता की जानकारी अपडेट करा सकेंगे। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत की अर्थव्यवस्था अगले 7-8 साल में 5 करोड़ के आंकड़े को छू लेने का दावा करते हुए कहा कि उनका विभाग इसको लेकर तेजी से काम कर रहा है। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार का नियंत्रण उनके पास होने की अटकलों को विराम देते हुए कहा कि सरकार का छोड़िए घर के टीवी का रिमोट तक मेरे पास नहीं है। और बड़ी खबरों में 21वें नंबर पर है खुफिया एजेंसियों की सक्रियता के चलते आतंकी संगठन अब अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए महिलाओं का सहारा ले रहे हैं और इसको लेकर खुफिया एजेंसियों से मिल रहे इनपुट की माने तो इस काम में आतंकियों ने यूपी और दिल्ली में 22 महिला आतंकियों को उतार दिया है जो हर तरह से प्रशिक्षित है। और बड़ी खबरों में 22वें नंबर पर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी सवर्णों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू कर दिया है और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है जिसने 10% आरक्षण को लागू किया है। और बड़ी खबरों में 23वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विधायक साधना सिंह ने बसपा प्रमुख मायावती को लेकर विवादित बयान देते हुए उन्हें किन्नरों से भी बदतर बताते हुए कहा कि वह ना तो महिला लगती है और ना ही पुरुष लगती है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भाजपा से उन पर कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। और बड़ी खबरों में 24वें नंबर पर है कर्नाटक में कांग्रेस का संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गैरहाजिर रहे 4 विधायक अभी भी सामने नहीं आए हैं। इस बीच सूत्रों की माने तो ये चारों कभी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। और बड़ी खबरों में 25वें नंबर पर है प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले को लेकर इंडस्ट्री बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने दावा किया है कि इस आयोजन से यूपी को 1.2 लाख करोड़ का राजस्व 6 लाख रोजगार मिलेगा जबकि इस पूरे आयोजन के लिए यूपी सरकार ने 4200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है जो अब तक का सबसे महंगा कुंभ है। और बड़ी खबरों में 26वें नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ऑर्गन नेशनल लेबोरेटरी और इटली स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको के शोधकर्ताओं ने हाल ही में किए गए शोध में पाया कि आंतों में मिलने वाला बैक्टीरिया खाने पीने से बच्चों को होने वाली एलर्जी से काफी हद तक बचाता है। और बड़ी खबरों में 27वें नंबर पर उन युवाओं के लिए अच्छी खबर जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने चीफ मिनिस्ट्री एडवाइजर के लिए 40 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट www.jrhms.jharkhand.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बड़ी खबरों में 28वें नंबर पर है दुनिया के महान फास्ट बॉलरों में शुमार पाकिस्तान के वसीम अकरम ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि आज के दौर में जसप्रीत बुमराह ही ऐसे गेंदबाज है जो सबसे सटीक बॉल फेंकते हैं। और बड़ी खबरों में 29वें नंबर पर है बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक करने जा रहे हैं और इस बार वह डायरेक्टर प्रियदर्शन की बड़े बजट की फिल्म मर्कर द लाइन ऑफ अरेबियन सी में 16वीं शताब्दी के एक योद्धा के किरदार में दिखेंगे। और बड़ी खबरों में 30वें नंबर पर है फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने मीटू के तहत अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का खुलासा करते हुए कहा कि उनका भी उत्पीड़न एक डायरेक्टर ने किया था जिसे समझने में उन्हें लगभग 6 से 7 साल लग गए। हालांकि स्वरा ने किसी का नाम नहीं लिया।
तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।